ब्लॉक प्रमुख अकराबाद ने अपने ऊपर सिंचाई विभाग की जमीन कब्जाने के आरोप को बताया निराधार। उन्होंने कहा वह क्षेत्र की जनता के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, आरोप लगाने वाले जनता को गुमराह कर रहे हैं। अकराबाद ब्लॉक प्रमुख राहुल सिंह ने सिंचाई विभाग की जमीन हड़पने के सवाल पर कहा कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई जमीन नहीं हड़पी गई है, वे हमेशा जनता के बीच रहते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि सिंचाई विभाग की जमीन पर पक्की और कच्ची दुकानें बनी हुई हैं जिसमें बहुत सारे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मेरे ऊपर सिंचाई विभाग की जमीन को हड़पने का आरोप लगाया जा रहा है, ये बात बिल्कुल निराधार और तथ्यहीन है। प्रमुख जी, आपके ऊपर रामू को ठेकेदार है, रामू ठाकुर, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनको आपसे अपनी जान का खतरा है, इसके लिए क्या कहना है? अब कब लगा? कल आरोप लगाया है वो, कल मैंने एक बैठ देखी थी, कल उन्होंने ये बात कही है। उससे पूर्व में उन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा भी लिखाया है कि मैं उनसे चोट वसूली भी करता था। मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, वो बेचारे पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, अच्छे रास्ते पर चलें। वो मेरे यहाँ ठेकेदारी करते हैं, क्या नहीं करते हैं मुझे नहीं पता है। मेरे क्षेत्र पंचायत में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ग्राम पंचायतों में करते होंगे तो ग्राम प्रधान जाने, सेक्रेटरी जाने, वो जाने, मेरा कोई दूर तो उनका लेना देना नहीं है। और मैंने पूर्व में भी कहा था, जब मुकदमे के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र इंस्पेक्टर साहब को दिया था, जब माता प्रसाद सिंह यहाँ इंस्पेक्टर अकराबाद थे, तो उनका फ़ोन मेरे पास आया था कि आपके खिलाफ़ एक प्रार्थना पत्र आया है। तो मैंने उनसे स्वयं ये कहा था कि एक आम व्यक्ति मुझे समझकर, न कि ब्लॉक प्रमुख समझकर, एक आम व्यक्ति समझकर जो प्रार्थना पत्र मेरे खिलाफ़ आया है उसकी आप निष्पक्ष विवेचना कराएं, और उस विवेचना में कोई भी ऐसे वो सबूत देता है, एविडेंस देता है, और जिन एविडेंस जो भी आईपीसी मेरे खिलाफ़ बनती हो उन आईपीसी में मेरे खिलाफ़ मुकदमा पंजीकृत करें, और ऐसी आईपीसी कोई बनती है इसमें मुझे जेल भी जाना पड़े तो मुझे जेल भी भेज दीजिएगा। तो उन्होंने कहा था कि सर उन्होंने सिर्फ आरोप लगाए, ये कोई भी साक्ष्य नहीं दे पा रहे हैं, और हमारा ये मानना है कि ये खुद ये सारे लगाए आरोप निराधार हैं। तो मैंने कहा ये आप स्वयं देख लीजिए। मैंने लेकिन आपसे जरूर कहूँगा कि अगर प्रार्थना पत्र आया है तो उसकी विवेचना करा लीजिए। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर मेरे हमारे यहाँ सीओ बल्ला लगती हैं मैडम सजना सिंह जी, उनके कार्यालय से मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि साहब एक प्रार्थना पत्र आपके खिलाफ आया है और उसमें ऐसे ऐसे आपके खिलाफ चौथ वसूली का और सारे आरोप आपके खिलाफ लगाए गए। तो मैंने उनसे भी कहा था कि इंस्पेक्टर साहब का भी फ़ोन आया था और मैं आपसे भी कहना चाह रहा हूँ, मैडम से भी आप कह दीजिए कि वो कमेटी गठित कर दें और उसमें जाँच करा लें, कोई एक सिंगल एविडेंस वो मेरे खिलाफ दे दें, फ़ोन पे या वार्तालाप पे, अगर मैंने चौथ वसूली की है तो कुछ तो करा होगा बेचारों से, कैसे उगाई कर लूँगा। अगर कोई भी वो एविडेंस दे दें, मुझे लगता है कि वो झूठी लोकप्रियता अपनाने के लिए सारे कृत कर रहे हैं, और बात धमकी देने की है। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहता हूँ, कुछ पत्रकार बंधु अपने चैनल को पॉपुलर करने के लिए, क्या करने के लिए ऐसी खबरें निकालते हैं जिनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर मैं उसे धमकी दे रहा हूँ तो फ़ोन पर दूँगा या व्यक्तिगत रूप में खुद प्रेजेंट होकर फिजिकली तब दूँगा, कोई तो एविडेंस उसके पास होगा धमकी देने का। निराधार कह देना, अभी मैं आपके आपसे कह दूं कि आप मुझसे चौथ वसूली मांग रहे हैं, आप मुझे धमका रहे हैं, तो ये सब निराधार आरोप हैं। मुझे लगता है कि झूठी लोकप्रियता अपनाने के लिए ये सब कृत कर रहे हैं, कोई मैं दूध लेना देना नहीं है। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि शायद एक डर उनको जरूर होगा, क्योंकि उनके द्वारा जो पंचायतों में काम किए जा रहे हैं उन्हीं पंचायतों से कुछ लोगों ने उनकी शिकायतें लगातार हमसे करी हैं। हमने उसके लिए बीडो साहब के लिए वो पत्र फॉरवर्ड भी किए हैं, और उनमें बहुत बड़ी अनियमितताएं, बहुत बड़े गमन, यहाँ तक ऐसे गमन कि पूर्व प्रधान ने एक पंचायत घर को बनाया, फिर नई प्रधानी आई तो उसने फिर पंचायत घर को बना दिया, और एक बिल्डिंग बनी और उसके दो दो बार भुगतान कराए गए, और ऐसे अनगिनत तमाम चीज़ें ऐसी हैं। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, कौन सा गाँव जिसमें पंचायत घर का दो बार निर्माण हो चुका है? देखिए, मैं अभी वो उसकी जांच चल रही है, विवेचना का विषय है। दो तीन दिन में खंड विकास अधिकारी उसकी सारी चीज़ें हमें देंगे। हमने कहा है उनसे उसमें विवेचना कराने के लिए, क्योंकि अगर मैं चाहता तो उनसे कहता जाके मुकदमा लिखवा दीजिए। ऐसे एविडेंस उनके पास थे, फिजिकली एविडेंस थे कि दो दो TS हुए हैं किसी काम के और दो दो बार भुगतान निकाला गया है, विद डेट था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा पहले विवेचना कराइए, विभाग अगर इसे गलत साबित कर दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन कहा जाता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो हाल उनका है, जो उन्होंने किया है तो उन्हें सब पता है कि मैंने कितने फ्रॉड किए हैं। और एक बात तो बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोग बंधुओं के अगर जब भी वो आप मेरे खिलाफ कोई शिकायत लेके आए तो मैं आप एक बात उनसे जरूर पूछ लेना, जिन जिन पंचायतों में वो सप्लाई करते हैं, क्या करते हैं भगवान जाने क्या करते हैं, वो किसी एक सिंगल पंचायत की भी आपने जाँच करा ली ना उनकी, तो उनके इतने काले चिट्ठे खुलेंगे कि आप खुद देखने में स्तंभ रह जाएंगे कि कैसे बड़े महानुभाव हैं। मैं आपको बता दूं कि GST विभाग से दी जाती है, उस GST का भी इतना बड़ा गमन उन्होंने किया है ना, कि आप
कुछ कह नहीं सकते हैं। वो लोग शिकायतें कर रहे हैं, उन शिकायतों के लिए जरूर मैंने प्रार्थना पत्र बी डी ओ साहब से कहा था कि जांच करा लीजिए, सिर्फ इसी चीज़ के बचने के लिए कि वो बेचारे प्रेशर बनाना चाह रहे होंगे कि झूठे आरोप हम मुझी पे लगा दें, इससे ये घबरा जाएं और मेरी विवेचना न कराएं। तो मैं इन सब चीज़ से डरने वाला नहीं हूँ। झूठी लोकप्रियता हासिल करने के लिए मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये जनता जानती है। कोई सिंगल आरोप, कोई सिंगल एविडेंस अगर वो मेरे खिलाफ़ दे दें तो जो सब लोग कहेंगे, समाज कहेगा, उसका आरोप करने को मैं तैयार हूँ।